हेलो एवरीवन, आज है 25 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। 73 रुपीज़ का ये शेयर है, तकरीबन 3% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे को। और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर में क्या फर्दर गिरावट देखने को मिल भी सकती है कि नहीं, और जिस तरीके से बाजार में गिरावट है उसको ध्यान में रखते हुए कहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 73 रुपीज़ का शेयर है ये, और एक महीने में जहाँ था वहीं पर आ चुका है। मतलब उतनी बड़ी गिरावट नहीं कह सकते हो, हालांकि 78 रुपीज़ से 73 पर आया, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बाजार में गिरावट है उतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। एक साल में अगर आप देखो तो 1% की ही गिरावट है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर मैंने पहले भी कहा है कि इंडियन ऑयल हो गया, BPCL हो गया, ONGC हो गया, इरकॉन हो गया, IRFC हो गया, RVNL हो गया, ये वो कंपनियां हैं जो आपको अच्छा और भारी भरकम डिविडेंड पे करती है। तो यहाँ पर आपकी जो बाइंग प्राइस है वो हमेशा सस्ते कीमत पर होनी चाहिए। जब भी बाजार में गिरावट आएगी यहाँ पर खरीदारी के बेहतरीन मौके बनेंगे, क्योंकि ये बर्बाद होने वाली कंपनियाँ तो कतई नहीं है। और दूसरी बात ये कि इतना अच्छा डिविडेंड लॉन्ग टर्म में पे करेगी कि अगर आपका बाइंग प्राइस सस्ते लेवल पर होगा तो साल भर में आप कम से कम 10 से 12% का सिर्फ डिविडेंड से कमा सकते हो। और जब तेजी आएगी तब तो डेफिनेटली यहाँ पर और पैसा बनेगा, वो अलग से। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपकी बाइंग प्राइस कभी हाई प्राइस पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो हमेशा लो प्राइस पे होनी चाहिए। यहाँ पर एक साल का जो सबसे बड़ा लो है वो 65 रुपीज़ का है इसका, और इससे पहले भी 70 रुपये के आसपास कई बार ये जा चुका है। तो पहली चीज़ तो है कि 73 पे मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाजार में गिरावट है थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए। लेकिन कहाँ पर मौके बनेंगे वो भी हम बातचीत करेंगे। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लार्ज कैप शेयर है, 1,05,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, 1.5 करोड़ तक के वॉल्यूम्स हैं, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर जो है वो ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट भी अच्छे हैं, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में इनके रेवेन्यू तो अच्छे रहे लेकिन प्रॉफिट अच्छे नहीं रहे, बल्कि कंपनी ने लॉस दिखाया है। और ये हालांकि एक्सपेक्टेड था, ठीक है, इसी खबरें भी कई बार आ रही थी और मैंने पहले भी कहा था कि हाँ अभी लॉस दिखाएगा। इवन अभी दिसंबर क्वार्टर का भी जो आएगा उसमें भी थोड़ा सा लॉस ये दिखा सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये बेहतर प्रॉफिट की तरफ जाएगा, क्योंकि इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी है। जो रेवेन्यू पिछले साल सेप्टेम्बर क्वार्टर में सिर्फ 1,33,000 करोड़ था, वो इस बार 2,08,000 करोड़ से भी ज़्यादा रहा। मतलब बेहतरीन तेजी है इनके रेवेन्यू में। लेकिन प्रॉफिट, जो पहले कंपनी 6,000-5,000 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, उसने 990 करोड़ का लॉस दिखाया है सितंबर में। इससे पहले जून में भी 280 करोड़ का लॉस ही था। मतलब फाइनेंशियल 2023 के दोनों ही क्वार्टर्स में इसने लॉस दिखाया है। और हाँ, इससे पहले 2020 में जब कोविड आया था तब भी ये चीज़ हमने देखी थी, लेकिन बाद में बेहतरीन रिकवरी भी देखी, उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है, 7.22% FIIs के पास है, 2.09% म्यूचुअल फंड्स के पास है, और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो एक भी शेयर गिरवी नहीं है, और ONGC हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में है 14.20% की होल्डिंग के साथ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अगर हम नज़र करें कंपनी के ऊपर, तो कंपनी में अगर मैं डिविडेंड की तरफ ले चलूं, क्योंकि जाहिर सी बात है डिविडेंड भारी भरकम पे करता है, यही वजह कि मैंने पहले भी कहा था कि आपकी बाइंग प्राइस सही होनी चाहिए तो आपका पैसा बनेगा यहाँ पर। जैसे कि 2021 में इसने कुल मिलाकर 9.5 रुपये का डिविडेंड पे किया है, 2022 में इसने कुल मिलाकर 6.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड पे किया हुआ है। और अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की, तो कोविड के वक्त ये आपको 50 रुपये के नीचे मिल रहा था, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर आपकी बाइंग प्राइस 6 रुपये की भी है, मतलब 60 रुपये की भी है, ठीक है, 60 से 70 रुपये की भी आपकी बाइंग प्राइस है, तो भी आपको 2 सालों में 10% से ज़्यादा का इसने पैसा बनाकर दे दिया डिविडेंड के थ्रू, जो कि भैया बैंक FD भी नहीं देती और कई बार म्यूचुअल फंड्स भी नहीं दे पाते। तो ये चीज़ भी है यहाँ पर। और कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी खासी रफ्तार थी, बाद में गिरावट आई, दोबारा तेजी बनी है, तकरीबन 5,90,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिला,
और जहां तक बात है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो 24,500 करोड़ का रहा। मैंने पहले कहा था कि कोविड में इनको लॉस हुआ था, जो इस बार फाइनेंशियल 2023 में जो लॉस दिखाया है इन्होंने पहले दो क्वार्टर में, तो वैसा लॉस आपको 2020 फाइनेंशियल ईयर में भी देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही सिचुएशन बेहतर होने लगी, कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट भी दिखाया और कंपनी के शेयर प्राइस में भी एक बहुत बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देखा जाए तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे, अच्छा डिविडेंड पे करे, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, करंट प्राइस भी इसकी कम है और काफी सस्ते पीई पर ट्रेड भी कर रहे हैं, 4.22 का है जबकि सेक्टर पी 13 के आसपास है, और यही वजह है कि 65% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन जरूर है, लेकिन किस प्राइस पे है वो मैं आपको वीडियो में आगे जरूर बताऊंगा। यहाँ पर प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एफआईआईज, हर कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठा हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग है लेकिन कम है, 5.11% की होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, अदर पार्टीज के पास ज्यादा है, 24.79% की होल्डिंग है। देखो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मुझे ये कंपनी पसंद आती है, ठीक है, लेकिन खरीदारी का जो रेंज है वो महंगा नहीं होना चाहिए, और जो रेंज मुझे पसंद है, मुझे लगता है कि यहाँ पर 65 से लेकर 68 रुपीज का जो रेंज होगा, मतलब यहाँ से अगर ये 5 रुपये और टूटता है तो वहां पर इनिशियल बाइंग के मौके बन सकते हैं। इनिशियल बाइंग से मेरा मतलब है कि थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड करो वहां पर, और अगर थोड़ी और फर्दर गिरावट आती है बाजार में, अगर इंडिया में कोविड के केस बढ़ते हैं, हालांकि चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप बाकी की क्वांटिटी जो है वो 60 रुपए के आसपास खरीद सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन मैं कह दूं, यहां पर आपको इंतजार लंबा करना पड़ सकता है, ठीक है, तो वही लोग निवेश करें जो भैया यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, शॉर्ट टर्म वाले इससे दूर ही रहे। और मैं मानता हूं कि अगर आपकी बाइंग प्राइस 60-65 के आसपास की होती है और अगर ये आपको साल भर का 7-8 रुपए का भी डिविडेंड पे करते हैं, तो डेफिनेटली आपका पैसा वहां पर डिविडेंड से भी बनेगा और हर साल अच्छा डिविडेंड ये पे करते रहेंगे इसी तरीके से। और यही है यहां पर कि जब भी सस्ता हो तभी खरीदो, महंगा हो तब मत खरीदो, ठीक है। अगर ये आपको 80-85 रुपये मिले तब भैया खरीदने के मौके नहीं हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को भी याद रखिए। और ऐसी कंपनी अभी लॉस जरूर दिखाया है फाइनेंशियल 2023 के दोनों ही क्वार्टर्स में, लेकिन धीरे धीरे प्रॉफिट दिखाएगा, जो हमें 2020 में लॉस देखने को मिला था, बाद में 21-22 में प्रॉफिट आया, बिल्कुल वैसा ही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात, बाजार में गिरावट कहाँ तक रहेगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन हाँ अभी भी मैं मानता हूँ कि 5 से 6% तक बाजार थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, लेकिन यही मौके होते हैं बाइंग के। ये हमने कोविड के फर्स्ट वेव में भी देखा, सेकंड वेव में भी देखा कि बाजार ऐसे ही गिरावट से, ऐसे पैनिक से अगर टूटता है तो खरीदारी के मौके होते हैं, बेचने के मौके वो नहीं होते। बेचने जाओगे और पता चला कि भैया बाजार रिकवर कर गया, आप उस अच्छी रैली को मिस कर जाओगे। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो यहां पर, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बाजार को एंड ऑफ द डे ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं। इसके अलावा एक और कंपनी है जो भैया भारी भरकम डिविडेंड पे करती है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में हाइएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में भी है, वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी का शेयर 140 रुपए का है और ये भी भारी भरकम डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ओएनजीसी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट में ओएनजीसी जरूर लिखेगा, जितनी ज्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी वीडियो आएगा, वीडियो का यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।